हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य सरकार संघ या राज्य क्षेत्र के सरकारी वाहनों के अलावा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जो वाहन 15 साल से पुराने हैं उनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा आरटीओ विभाग स्कूलों की गाड़ियों के फिटनेस और जीपीएस लगाए जाने पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। आरटीओ संदीप सैनी ने कहा कि समय समय पर विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा फिटनेस और रिन्यूअल के समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्कूल की बस में जीपीएस लगा है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जीओ जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर जिस भी उपक्रम के हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। सर, बात करी जाए स्कूल बसों में जीपीएस को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी भी कुछ स्कूल की बसों में जीपीएस नहीं लगाए जा रहे, क्या है? नहीं, इसमें स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा